संज्ञा, ठीक है। संज्ञा हमने क्या था, किसी व्यक्ति वस्तु भाव जगह स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था, सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। पहले हमने क्या किया था, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण, ठीक है। संज्ञा किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, भाव का, जगह का, किसी भी चीज का नाम, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और जो शब्द संज्ञा के नाम पर जगह पर प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम। अब विशेषण क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की, आपको भी सिखा रही हूं मैं ना, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। उन्हें विशेष, ठीक है, कि जो शब्द हमें संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसका उदाहरण देखो, मान लो लिखा मैंने लोमड़ी बहुत चालाक है, ठीक है। तो यहां पे लोमड़ी चालाक है और विशेषता इसकी क्या होगी, बहुत, किताब है। तो किताब तो है लेकिन